वेलकम आरकेजेड थिएटर ग्रुप। आरकेजेड आपके लिए हमेशा से रिलेटेड एक्टिंग टिप्स जो होते हैं वो लेकर आता रहता है और लेकर आता रहेगा। आज का जो टॉपिक हमारा है वो बहुत ही स्पेशल है। टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट एक्टिंग करियर फ्रॉम मुंबई। आप किस तरह से एक्टिंग करियर का शुरुआत जो है मुंबई से कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए देखिए, सबसे पहली बात होती है कि हर किसी का सपना है आज के वक्त में कि वो मुंबई में जाके एक्टिंग करे। और कई बार आप खुद भी जब शीशे के सामने होते होंगे या अपने फ्रेंड सर्कल में होते होंगे तो कहते होंगे कि मैं एक दिन मुंबई ज़रूर जाऊँगा, मैं एक्टिंग सीखूँगा और एक्टिंग वहाँ करूँगा, फिल्मी पर्दे पर छा जाऊँगा। लेकिन दोस्तों सच्चाई बहुत अलग है। और हाँ, अगर आप मुंबई में एक्टिंग करना चाहते हैं, मुंबई में आना चाहते हैं और यहीं से अपने करियर की एक नई उड़ान भरना चाहते हैं, तो आपको कुछ चीज़ों को याद रखना होगा। यहाँ कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको क्लियर कर दूँ। दोस्तों सबसे पहली बात होती है कि जब भी हम मुंबई आने के बारे में सोचते हैं, कई तरह के सवाल जहन के अंदर होते हैं कि मैं कहाँ रहूँगा, मैं कैसे सर्वाइव करूँगा, कैसे वहाँ काम ढूंढूंगा, मुझे कितने दिनों में काम मिलेगा, क्या मैं खाली हाथ वापस आ जाऊंगा। ये तमाम तरह के सवाल जहन के अंदर होते हैं और इनके सबके सवालों का जवाब एक ही है कि आप लगातार मेहनत करते रहिए, स्ट्रगल करिए, चीजों को समझिए और जब आप चीजों को समझेंगे तो आपको काम जरूर मिलेगा। कुछ पॉइंट हैं। सबसे पहले ये होता है कि आपने कभी कहीं स्टेज शो किया हो, कभी कहीं कैमरे के लिए काम किया हो या आप किसी थिएटर ग्रुप में ज्वाइन करके वहाँ एक्टिंग सीखी हो। ये तमाम तरह की चीज़ें हैं। अगर आप मुंबई आना चाहते हैं तो उससे पहले अपनी एक्टिंग को थोड़ा सा मजबूत कर लीजिए। आपकी आप कोई भी थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई छोटा एक्टिंग स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं, कोई वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं। ये तमाम तरह की चीज़ें होती हैं जिनसे आप अपनी एक्टिंग स्किल्स को थोड़ा सा डेवलप कर सकते हैं, बेसिक चीज़ तो समझ ही सकते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है? देखिए दोस्तों, दूसरा ये है कि आप किसी अभिनेता या अभिनेत्री की नकल कर लेते हो, आप उनकी तरह बोलते हो, उनकी तरह चलते हो और वो अलग बात है। लेकिन जब आपका उच्चारण बहुत अच्छा होना चाहिए, आप जब भी शब्द बोले तो वो शब्द जो है बहुत अच्छे तरीके से प्रोनाउंस होना चाहिए ताकि सामने वाले को समझ आ जाए कि हाँ, इसमें कुछ करंट है, मैं इसे जरूर हूँ एक्टिंग, जरूर इसे करवा के छोड़ूंगा, इसे एक्टिंग में चांस दे कर आऊंगा। तो ये दो हो। अब दोस्तों तीसरा क्या है? तीसरा है दोस्तों आर्थिक तंगी। कई बार क्या होता है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड हमारा मजबूत नहीं होता है जिसकी वजह से हम एक्टिंग करियर में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अगर आप अपने घर में सबसे बड़े हैं और उसके बाद सोचते हैं कि मैं मुंबई जाके एक्टिंग कर लूंगा, तो आपके पीछे जो है आपकी फैमिली है, आपको पैसे की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अब ये तो नहीं है कि मुंबई जाती है आपको काम मिल जाएगा, पहले ट्रेन पकड़ी मुंबई चले अगले दिन काम मिल गया, सेट हो गई जिंदगी। देखिए दोस्तों ये बहुत से कम लोगों के साथ होता है, लेकिन हाँ, अगर आप किस्मत के धनी हैं, आपके साथ किस्मत है, आप लग बाई चांस है, तो हो सकता है कि आप ट्रेन पकड़ेंगे, दो चार दिन काम ढूंढा, काम मिल गया और जो भी काम मिल गया वो कर लिया। तो दोस्तों आपको ये चीज़ समझ नहीं। अच्छा, अब जो चौथे नंबर पर है, जो सिर्फ लास्ट है, वो लास्ट ये है कि हर किसी के जहन में ये रहता है कि मुंबई जाकर मैं कहाँ रहूंगा, मैं कहाँ काम ढूंढूंगा, किन लोगों से मुझे मिलना है, कहाँ ऑडिशन दूंगा, अगर मैंने अपने शहर में एक्टिंग सीखी है तो वहां जाकर मैं किस थिएटर ग्रुप के साथ, किस एक्टिंग क्लास के साथ, किन वर्कशॉप के साथ, एक्टिंग वर्कशॉप जो होती है उनके साथ कैसे जुड़ पाऊंगा। ये तमाम तरह के सवाल जो है जब आप मुंबई आने से पहले सोच लेंगे अपने जहन के अंदर, तो आप बहुत अच्छे तरीके से एक्टिंग के बारे में समझ जाएंगे, समझने लगेंगे। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और एक बात मैं आपसे क्लियर कह दूँ कि आपको जब भी मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कैसा लगा, अच्छा लगा तो अच्छा, बेकार लगा तो बेकार। और हाँ,
अगर कुछ और पूछना हो, कोई एक्टिंग टिप्स पे कोई क्लास चाहिए आपको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं और मैं आपके लिए उस पर एक वीडियो भी बना सकता हूँ। तो दोस्तों फिर मुलाकात होगी आपसे, जो भी आपके द्वारा बताया गया या फिर मुझे कमेंट करके बताया जाएगा वो मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए बहुत बेहतर से बेहतर करके लेकर आऊँ आपके लिए नया एक्टिंग टिप्स कोर्स।